को यूट्यूब चैनल फिनोइज पे। वेदांता के स्टॉक में अभी देख सकते हैं गिरावट बनता हुआ दिख रहा है, और वही अगर देखेंगे तो वेदांता जो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को अभी और एक डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला है। बहुत ही जल्दी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी मिल जाएगा वेदांता के, और से वेदांता बहुत बढ़िया डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देता है। स्टॉक में यहाँ पे गिरावट बन रहा है तो बहुत सारे अपडेट्स है यहाँ पे वेदांता के शेयर को लेकर। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर वेदांता के शेयर में आप देख सकते हैं दोस्तों स्टॉक में जो है 0.5% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर, वन वीक के अंदर जो है यहाँ पे 3% का गिरावट बनाया, वन मंथ के अंदर जो है एक महीने के अंदर 5.5% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। वेदांता का जो है यहाँ पे अपकमिंग डिविडेंड है जो यहाँ पे ड्यू बताया जा रहा है 6 अप्रैल 2023 को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों वेदांता के शेयर को जो फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है, अंडर रेडर पे है। ड्यूरेबिलिटी 65 आउट ऑफ 100 वैल्यूएशन 63.20 आउट ऑफ 100 एंड मोमेंटम जो है 51.10 आउट ऑफ 100। अभी यहाँ पे वेदांता का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों, फिलहाल जो ये शेयर एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है और RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि वेदांता का जो शेयर ये ना कि ओवरबोर्ड जोन में ना कि ओवरसोल्ड जोन में, लगभग अगर शेयर देखेंगे ये तो ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। MACD का जो इंडिकेटर है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वेदांता का जो शेयर है बेयरिश लेवल बना रहा है, तो शेयर यहां से भी थोड़ा बहुत गिरावट दिखा सकता है। अभी यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो एक बोल सकते कि जो एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है वेदांता का वो देखने को मिल रहा है 298.50 पैसे का। ये एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है वेदांता के शेयर को लेके। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों जो एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है इसके डिविडेंड को लेके वेदांता के ओर से, तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कहा जा रहा है, मतलब जो भी शेयर होल्डर से किनको ये दिया जाएगा वेदांता का जो इंटरिम डिविडेंड है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है purpose of determining the entitlement of the equity shareholders for the said dividend if declared is being fixed as Friday April 7, 2023 the company said in a filing। तो जो है फाइलिंग में बताया गया है वेदांता के ओर से कि इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा एलिजिबल शेयर होल्डर्स के लिए डिटरमाइन करने के लिए किसको ये शेयर मिलने वाला है वो 7 अप्रैल को रहेगा फ्राइडे को। एंड वेदांता अगर देखेंगे तो अभी तक अगर देखने को मिल रहा है कि इशूड इट्स फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ओथ ₹31.50 पर शेयर जो कि कुछ महीना पहले इसने दिया था, एंड द सेकेंड इंटरिम कैश डिविडेंड वाज 19.50 इशूड इन जुलाई। तो थर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड जो दिया था इसने 17.50 पर शेयर वाज अनाउंस्ड इन नवंबर। द फोर्थ सर्च डिविडेंड ओथ ₹12.50 पर शेयर वाज अनाउंस्ड ऑन February 3, 2023। दिस टूक द टोटल डिविडेंड पे आउट इज ₹81। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देख सकते बयानता है कि और से साल का लगभग 80-90 रुपए के आसपास डिविडेंड देखने को मिल जाता है। अभी भी जो कुछ दिन पहले इसने डिविडेंड दिया था वो ₹12.50 का था, तो बहुत बड़ा यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिलता है वेदांता के ओर से। और एक मतलब शेयर जो देखेंगे शेयर में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है तेजी, फिलहाल अभी बहुत दिन से जो है स्टॉक में वेदांता का एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। और ये शेयर जो है अगर देखते हैं तो अभी भी जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ से भी एक गिरावट बना सकता है। अभी यहाँ पे एक चीज दोस्तों जो वेदांता का ओनर है मिस्टर अग्रवाल, इनके ओर से कोशिश किया जा रहा है वेदांता के जो डेप्ट है डेप्ट को थोड़ा कम किया जाए। एंड फॉर डिकेड्स अनिल अग्रवाल जो है यहाँ पे एक बोल सकते कि ये जो कंपनी है वेदांता स्टार्टिंग एज ए क्रेप मेटल डीलर द बिलियनर मैनेजिंग द बिलियनर मैग्नेट बिल्ट ए माइनिंग कंपनी जो इसको बना दे, तो बहुत ही छोटा इसमें से जो स्क्रैप मेटल डीलर से शुरू किया था, तो अभी इसका अगर देखेंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है। अभी यहाँ पे रिसेंट इसमें देखेंगे तो अग्रवाल फेस्ड वन ऑफ हिज टफेस्ट एक्स ईयर, द टाइकॉन्स वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड हैज क्लोज टू 2 बिलियन ऑफ बोन्स टू सेटल इन 2024, हाफ ऑफ व्हिच इज ड्यू इन जनवरी। शॉर्ट ऑफ दैट हिज लंडन हेडक्वार्टर कंपनी रिस्क गेटिंग कट डीपर इनटू जंक एंड लूजिंग क्रूशियल एक्सेस टू फंडिंग। That's मतलब अगर देखेंगे तो एक ये है वेदांता के लिए। अभी वेदांता का क्वेस्ट टू रेज कैश कम्स ड्यूरिंग ए रॉकी टाइम ऑफ इंडियाज बिजनेस एलाइट। तो वेदांता का अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो वेदांता का ओनर है मिस्टर अग्रवाल, इनके ओर से कोशिश किया जा रहा है जो डेप्ट है वेदांता का वो जैसे भी हो कितना जल्दी हो तो उसको क्लोज किया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। और से जो एक अप्रूवल मांगा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टू प्रोवाइड गारंटीज फॉर 1 बिलियन लोन दैट इट इंटेंड्स टू रेज थ्रू वन वेदांता
ओवरसीज सब्सिडरी। द लोन विल बी रेज थ्रू THL Zinc Venture, a Mauritius based wholly owned subsidiary of Vedanta Limited. As per the report, Vedanta Group is in talks with JP Morgan, Barclays, ऐसे बहुत सारे companies है for 1 billion loan. तो Vedanta जो यहाँ पे 1 billion का जो loan उठा रहा है उसके ही एक overseas company subsidiary से जो THL Zinc है, Mauritius based company है, और ये 1 billion के लिए Vedanta जो है फिलहाल अभी कुछ बड़े बैंक से उनके साथ बात कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन हो गया, बार्कले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब कुछ बैंक से उनके साथ बात कर रहे हैं 1 billion लोन के लिए। तो द फंड्स विल बी रेज्ड इन द प्रोसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी अपस्ट्रीम्ड टू द ग्रुप्स Vedanta रिसोर्स लिमिटेड। द बैंक्स हैव सॉट 800 बेसिस पॉइंट्स ओवर द सिक्योर्ड ओवरनाइट जो इसका फाइनेंस रेट है। तो अभी जो है बैंक के ओर से भी अगर देखेंगे तो आगे चल के शायद से ये लोन पास हो सकता है। द मेन होल्डिंग कंपनी इसमें देखेंगे तो VRL है 400 मिलियन ऑफ डॉलर बॉन्ड्स ड्यू इन अप्रैल एंड 500 मिलियन डॉलर बॉन्ड्स इन मई। It has another 1 billion bond maturing in January 2024. Besides this, the holding company has 1.1 billion term, about 600 million in interest payments coming up, besides 450 million of inter-company loans. Last week, अगर देखेंगे तो London based जो इसका Vedanta का business है, London based resources repaid 250 million in loans that the company took from Barclays Bank and Standard Chartered Bank. तो लंदन का जो Vedanta का ब्रांच है तो उसमें भी जो है लगभग 250 मिलियन का जो लोन्स है वो पे किया है Barclays Bank और Standard Chartered Bank को। तो Vedanta फिलहाल अभी यहाँ पे 1 बिलियन का जो अमाउंट लोन लेने का कोशिश कर रहे हैं। Vedanta का जो ओनर है उनके ओर से कोशिश है कि जो भी उसके डेप से Vedanta के डेप से उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो एक चीज दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं Vedanta के मैनेजमेंट के ओर से भी यहाँ पे बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और क्लियर इन लोगों का विजन है, जिसके चलते आगे अगर देखेंगे तो लगता है कि Vedanta के शेयर में भी एक तेजी बन सकता है। और फिलहाल यहाँ पे Vedanta के में एक गिरावट बन रहा है तो हमें लगता है कि फिलहाल यहाँ से फ्रेश जो है बाई नहीं करना चाहिए। स्टॉक में अगर थोड़ा यहाँ से तेजी दिखता है, बोल सकते कि स्टॉक जो है थोड़ा अगर यहाँ से तेजी दिखाता है तो उसके बाद आप सोच सकते हैं एक बार खरीदारी करने का। और जिसके पास भी शेयर है बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर Vedanta के शेयर देखेंगे तो एक चीज है जहां पे इसको इसमें जो है आपको डिविडेंड बहुत बढ़िया मिल जाता है और स्टॉक में तेजी भी बीच बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर किसी के पास शेयर है दोस्तों हमें लगता है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और अगर किसी ने अभी तक मतलब किसी को अगर खरीदना है तो बहुत ही सोच समझ के रिसर्च करने के बाद ही खरीदना चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आपको जो Vedanta का शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, एक बार खुद से जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनविच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।